हेलो यूट्यूब फैमिली, इस वक्त मैं हूँ भवनाथ सिद्ध क्षेत्र में महाशिवरात्रि के मेले पे। आप जो देख रहे हो है गिरनार दरवाजा गेट से पब्लिक लाखों की संख्या में भवनाथ की ओर जा रही है। जी हाँ, ट्रैफिक इतना बढ़ गया है कि साधन ले जाना मना कर दिया है। अब यहाँ से हम पैदल यात्रा करते हैं भवनाथ की ओर, जो करीबन 4 से 5 किलोमीटर का होगा। तो पैदल चलते हैं फिलहाल। तो करीबन आधा पौना घंटे चलने के बाद भवनाथ तलेटी में मैं पहुंच चुका हूँ। ये देखिए, पब्लिक बहुत ज़्यादा है आज। और इस वीडियो के माध्यम से मैं शिवरात्रि में जो शाम को रेवड़ी होती और जूना अखाड़ा मंदिर, उसके बारे में जो वीडियो है मैं आपको सभी को दिखाऊंगा। अब हम आ चुके हैं गिरनार गेट पे। देखिए, यहाँ तो ट्रैफिक बहुत ही हद से ज़्यादा है। और ये देखिए, सामने दिख रहे हैं गिरनारी महाराज, भवनाथ, महादेव मंदिर और नीचे पब्लिक। देखिए महादेव, हर हर। साथे साथे अपना भारत को ने साथ में हस्तानी डैम साथ 400 ईसा पाती तथा अपना भारत को ने साथ ही हस्तानी डैम साथ 400 अभी हम आ गए हैं जूना अखाड़े में। अब यहाँ से वीडियो सच्चा स्टार्ट होगा। महाशिवरात्रि के मेले में जो नागा साधु यहाँ पे रुकते हैं और जो यात्रा निकालते हैं, उसके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे अभी भोजन प्रसाद भी मिल रहा है सभी को निशुल्क। जो यात्री आते हैं उनको खाना खिलाया जाता है और सभी साधु लोग यहीं पे रुकते हैं। और यहाँ पे यह है दत्तात्रेय मंदिर, आप सभी दर्शन कर सकते हैं। कभी भी भवनाथ आओ तो यहाँ पे जूना अखाड़ा की विजिट एक बार ज़रूर कीजिएगा। और देखिए, हजारों की संख्या में यहाँ पे साधु रुकते हैं। मेले में रेवड़ी यात्रा जो निकलती है उनकी पालकी, दत्तात्रेय भगवान की पालकी अब यहाँ तैयार हो रही है। महादेव हर। ये देखिए, फूल यहाँ पे
हार माला बनाई जा रही है जो ये मंदिर में लगेगी। बाकी सब हार माला ये नागा साधु पहनेंगे बाद में। तो अभी दिन के 3:30-4 बजे है और रात को 8:30 बजे के करीब यात्रा यहाँ से निकलेगी। अभी से नागा साधु अपने जुलूस की तैयारी कर रहे हैं जो रात को यात्रा निकलेगी। तब सब साधु ऐसा ये देखिए रोड के दोनों साइड हजारों की संख्या में यात्रियों को बिठाया गया है और रोड खाली कर दिया गया है। जब यहाँ से नागा साधु की रवेड़ी निकलेगी तो उसके बाद ही सब यात्रियों को रोड खोल दिए जाएंगे।
જૂના અખાડાની આ જગ્યાનું દ્રશ્ય છે. મહાશિવરાત્રિની રાત્રે જ્યારે અહીંથી દત્તાત્રેય ભગવાનની પાલખી નીકળે છે જૂના અખાડાના ભવનાથ મહાદેવ મંદિરના મહંત તથા જૂના અખાડાના સ્થાનપતિ